24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को क्षय रोग के बारे में जागरूक किया जा सके और इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। इस वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर द क्लॉक इज टिकिंग थीम के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में महापौर सत्या कौंडल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में बुधवार को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। इस दौरान अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें महापौर सत्या कौंडल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि टीबी को लेकर हमें घर घर तक जागरूक करने की जरूरत है ताकि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, लोग समय पर टीबी का इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि अब अस्पताल में दवाइयां भी निशुल्क ही दी जाती हैं। टीबी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली, डॉक्टर अशोक जी ने बड़े विस्तार में बताया कि टीबी क्या चीज़ है और हमने किस तरह को इस पर कंट्रोल किया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स है, नर्सिस है और अपने जो है आशा वर्कर वगैरह, ये बहुत अच्छा जो है घर लोगों के घर घर तक जो है ये मैसेज ले जा रहे हैं कि टीबी इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है जितनी तो कोविड आया है, तो लोगों को दवाई भी दे रहे हैं। और हमारी सरकार ने, जैसा कि डॉक्टर अशोक जी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो है 2000 रुपया पर पेशेंट को दिया है कि जब तक एक साल तक उन्हें दवाइयाँ खानी है तो एक साल तक जो उनको पर मंथ जो है 2000 रुपया दिए जाएंगे। बहुत अच्छी पहल है, मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि टीबी के बाद जो हमारा कोविड-19 जो है आया है, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन इस पर भी हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर दिया है और इसमें बहुत अच्छा सहयोग हमारे जो डॉक्टर्स है और हमारे जो नर्सिस है और हमारे जितने भी प्रशासन है, हमारी सरकार इस पर बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। अभी मैं लोगों से ये अपील करती हूँ कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इस तरह से आप अभी भी मास्क पहनिए, दूरी रखिए और इस तरह के अच्छे बड़े बड़े फंक्शन में मत जाना। तो मैं यही लोगों को जो है आज जो यहाँ से आह्वान करना चाहती हूँ। इस मौके पर CMO शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने कहा कि विश्व टीबी दिवस 2021 का इस बार का थीम द क्लॉक द टिकिंग है। उन्होंने कहा कि टीबी जैसी घातक बीमारी को खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम जल्दी उठाना होगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। उन्होंने कहा कि यदि टीबी की बीमारी का शुरुआती लक्षणों में ही उपचार किया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को टीबी की बेस्ट परफॉर्मेंस पर दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित कर रहे हैं। इसमें प्रदेश के 5 जिला को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है जिसमें लाहौल स्पीति पहले स्थान पर है। जो आज का थीम है वर्ल्ड टीबी डे का, द क्लॉक इज टिकिंग, उससे एक संदेश जाता है कि हमें कुछ ज़्यादा और समय ना लूज़ करते हुए इस टीबी को जड़ से ख़त्म करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने जो लक्ष्य विश्व जो वर्ल्ड लेवल पे जो 2035 का NTB का, उसी को रिड्यूस करके 2025 तक रखा है, तो 2025 आने में ज़्यादा वक्त नहीं है। लेकिन क्योंकि आज अगर आपको मैं बताऊँ कि हमारे प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है और हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स को नेशनल लेवल पे जो बेस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स के उसमें आए हैं कैटेगरी में, इनको आज सम्मानित किया गया है, उससे देखते हुए ये दिन दूर नहीं होगा जब हम इसको टीबी को ख़त्म कर पाएंगे अपने प्रदेश से और अपने ज़िले से भी, और यही हमारा लक्ष्य रहेगा। लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि यदि आप टीबी आपको कोई भी लक्षण लगते हैं तो टाइमली, क्योंकि इसमें एक स्टिग्मा की बात है, जैसे कोविड में भी हमने देखा उसमें भी लोग थोड़े पीछे हटते हैं अपने टेस्ट करवाने से, टाइम से अपनी जांच करवाने में, वैसे ही हमने टीबी में भी देखा है लोगों में एक स्टिग्मा की भावना है, लेकिन जबकि ये गलत है क्योंकि ये एक अन्य रोगों की तरह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसको ख़त्म करना मुश्किल और नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। यदि टाइम से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो बिल्कुल क्योरेबल डिजीज़ है, तो इसीलिए उनको जैसे ही इसके लक्षण लगते हैं ये अपना टाइम से अगर अपनी जांच कराते हैं और टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और पूरी तरह से जैसे उन्हें बताया जाता है अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये डिज़ीज़ को जल्दी हरा देंगे। और ये ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट नहीं होता अगर टाइम से लें, लेकिन हाँ यदि वो ट्रीटमेंट को तोड़ देते हैं तो एक ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की ओर चले जाते हैं, तो उसे ट्रीट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है। तो लोग टाइम से यदि उन्हें इस टाइप के लक्षण लगते हैं, खांसी निरंतर रहती है, बुखार रहता है, तो अपनी टीबी समझ के उसकी जांच, उसको रूल आउट कराना ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।